সময়ের ব্যাপার মাত্র। পাকিস্তান বাংলাদেশের পণ্য রপ্তানি করার ক্ষেত্রে একটি সম্ভাব্য বাজার হতে পারে। পাকিস্তানের অর্থনীতি এখনও দুর্বল, তাই আমাদের বিনিয়োগকারীরা পাকিস্তানের বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের শাখা ও ফ্যাক্টরি স্থাপন করে স্বল্প কম পারিশ্রমিক। क्या आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे कि बॉम्ब अटैक हो जाए हसीना गवर्नमेंट जो है। रिलेशनशिप्स कैन हैपन अगेन बट वेरी केयरफुली। हाँ ठीक है, बहुत डरते हैं यार बांग्लादेश के लोग, मुझे अंदाजा नहीं था। नहीं डर रहे यार, यहाँ पे कोई बॉम्ब अटैक्स नहीं हो रहे, ठीक है। और बहुत से लोगों को अपॉलॉजी चाहिए, तो मैं अपॉलॉजी करती हूँ, माजरत में। और दूसरी बात ये है कि ये जो टेररिस्ट कंट्री, हाँ ये लफ्ज़ मैंने पढ़ा, तो वो सो ये बात करना कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट कंट्री है, इस टाइप की चीजें हर्ट होता है यार, ऐसे नहीं करते, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिलेशंस के बारे में। तो बेसिकली अभी तक जो है 1971 से अब तक जो है 50 साल का अरसा गुजर चुका है, और पिछले 50 साल से लेके अब तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि पाकिस्तान की जानिब से कोशिश की जाए बांग्लादेश के साथ अच्छे रिलेशंस की। लेकिन अब 50 साल गुजरने के बाद फाइनली कोई ऐसा बंदा आया है जिसने सोचा है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिलेशंस अच्छे होना बहुत ज़रूरी है, और इसकी वजह से काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि सॉर्ट आउट हो सकती हैं, लाइक इर्द गिर्द की नेबरहुड कंट्रीज जो हैं उनमें उनके बहुत सारे मसले मसाइल हैं जो कि कंट्रीब्यूशन से उनका हल निकाला जा सकता है, ठीक है। सो अब जो है ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बांग्लादेश की जानिब से इसके बारे में बहुत सीरियस होकर सोचा जा रहा है कि अगर पाकिस्तान के साथ रिलेशंस बिल्ड किए जाते हैं तो इसकी वजह से हमारी जो है टूरिज्म भी इंक्रीज होगी, और काफी जो बांग्लादेश की एक्सपोर्ट्स हैं वो भी पाकिस्तान में आया करेंगी। और पाकिस्तान बांग्लादेश की चीजें अगर इंपोर्ट करने लग जाता है तो इसका यकीनी तौर पर डायरेक्ट फायदा जो है बांग्लादेश को होगा। सो शेख हसीना बहुत सीरियस है पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिलेशन को लेकर, साथ ही इमरान खान का भी बहुत पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू है इस सब को लेके। और अभी मैंने एक वीडियो डिटेल वीडियो पिक की है, सो वो अभी हम देखते हैं। इससे पहले क्या वीडियो देखें, अगर अब तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ मेरा चैनल जल्दी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दें ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन लाजमी मिले। सो चलते हैं देखते हैं वीडियो। पाकिस्तान बांग्लादेशी संपर्क स्वाभाविक करा समय बेपार मात्र। পাকিস্তান বাংলাদেশের পণ্য রপ্তানি করার ক্ষেত্রে একটি সম্ভাব্য বাজার হতে পারে। পাকিস্তানের অর্থনীতি এখনও দুর্বল, তাই আমাদের বিনিয়োগকারীরা পাকিস্তানের বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের শাখা ও ফ্যাক্টরি স্থাপন করে স্বল্প কম পারিশ্রমিকে শ্রমিক পেতে পারে পাকিস্তানে। পাশাপাশি পাকিস্তান বাংলাদেশের সাথে সম্পর্কের উন্নয়ন চায়, তাই পর্যাপ্ত নিরাপত্তা আর সঠিক বাণিজ্যিক সুবিধা দিলে বাংলাদেশের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো বিশেষত ঔষধ শিল্প, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প, তৈরি পোশাক শিল্প, প্লাস্টিক শিল্প ইত্যাদির মাধ্যমে আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও নিজেদের পরিচিতি অর্জন করতে পারে। আর এই উচিলায় হয়তো বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠানগুলো ধীরে ধীরে মাল্টি ন্যাশনাল প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিজেদের বিস্তার করার মাধ্যমে বাংলাদেশের অর্থনীতিকে আরও বেগবান ও সম্ভাবনাময় করতে পারে। এর পাশাপাশি বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আন্তর্জাতিক র্যাঙ্কিংয়ে এগিয়ে যাওয়ার জন্য বিদেশি ছাত্রের অংশ হিসেবে পাকিস্তানি ছাত্রছাত্রীদেরও পড়াতে পারে, কারণ আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বিশ্ববিদ্যালয়ের র্যাঙ্কিং এর অন্যতম ক্রাইটেরিয়াই হলো বিদেশি ছাত্রছাত্রীর অংশগ্রহণ। আবার পাকিস্তানি নাগরিকদের বাংলাদেশে চিকিৎসার ব্যবস্থার দিকে ধাবিত করা যেতে পারে। বাংলাদেশে এখন অনেক বড় বড় ও আধুনিক হসপিটাল রয়েছে, সেগুলোতে আমরা ভারতের মতো চিকিৎসা সেবা দেওয়ার ব্যবস্থা করতে পারি। এর পাশাপাশি বাংলাদেশের ট্যুরিজম খাতও অনেক বুস্ট পাবে, তবে এইসব হতে হবে কঠোর দর কষাকষির আর কঠোর কূটনৈতিক কৌশলের উপর ভিত্তি করে। পাকিস্তান বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করবে না, জঙ্গিবাদ বা উগ্রপন্থাকে সমর্থন দেবে না এমন শর্ত মানা, এবং একাত্তরের অপরাধ স্বীকার করে মাপ চাওয়ার পরে। কয়েকদিন আগে বাংলাদেশের শিল্প উদ্যোক্তা ভারত, সৌদি আরব সহ বিদেশে 6টি বিনিয়োগের অনুমোদন বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে পেয়েছে। পাকিস্তানে বিনিয়োগের প্রধান বাধা তাদের ভূরাজনৈতিক অবস্থা। পাকিস্তানের পৃষ্ঠপোষকতায় পাশের দেশে তালেবানরা ক্ষমতায় আসায় সমস্যা আরও বেড়েছে। পাকিস্তানে ইউরোপ আমেরিকার ব্যবসায়ীদের আসা যাওয়া কমে গেছে। আবার বাতাসে গুজব ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও আমেরিকা যে কোনো সময় আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের উপর অর্থনৈতিক অবরোধ দিতে পারে। এই গুজব খুব জোরালো। ইতিমধ্যে ইমরান খান 15 আগস্ট তালেবানের কাবুল দখলের দিন বলেছিলেন,
আফগানিস্তানের গোলামী শিকল আচ্ছিন্ন হলো। সেই কথাটি তার ভুল বলা হয়েছে তা তিনি স্বীকার করেন। আবেগে বলে পরে বুঝেছেন এটি বর্তমান ভূরাজনীতির প্রেক্ষাপটে তার বলা ঠিক হয়নি। পাকিস্তানের সঙ্গে চীনের গভীর সম্পর্ক আছে, তাদের অবকাঠামো উন্নয়নে চীনের সরকারের বিশাল বিনিয়োগ আছে, সেই তুলনায় চীনা ব্যবসায়ীদের পাকিস্তানে বিনিয়োগ অনেক কম। ইমরান খান আক্ষেপ করে বলেন, চীন আমাদের সবচেয়ে বড় বন্ধু, কিন্তু চীনারা পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশে বেশি বিনিয়োগ করে থাকে। जैसे वीडियो और आप लोगों ने देखी है, इमरान खान की जानिब से बात की गई बांग्लादेश के बारे में, और शेख हसीना ने भी इसके बारे में बात की है। बेसिकली बिजनेस सेटअप करने का प्लान किया जा रहा है, और यकीनी तौर पे अगर हम एक कहते हैं ना रियासत के हिसाब से सोचे तो हमें हर वो चीज करनी चाहिए जो हमारे रियासती मुफाद में है, ठीक है। सो इंडिया के साथ तो बांग्लादेश के रिलेशन उस टाइप के खराब हुए जो कि वाकई में आई डोंट थिंक ये कभी सही हो सकते हैं। और अगर पाकिस्तान के साथ, आई थिंक पाकिस्तान के साथ कभी भी ऐसी सिचुएशन नहीं हो कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश को हर्ट किया हो। लाइक 1971 को अगर एक साइड पर रखा जाए तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम लोगों ने बांग्लादेश के खिलाफ एहतजाज की हो, बांग्लादेश के खिलाफ कॉन्स्पायरेसीज की हो, ठीक है, और कोई भी ऐसी चीज लाइक, ठीक है, जो कि आप लोगों को मीडिया पे देखने को मिली हो कि पाकिस्तान ने जी बांग्लादेश के खिलाफ ये कर दिया है तो वो कर दिया है, ठीक है, तो इस टाइप की चीज। और अच्छी बात है कि फॉर एग्जांपल अगर ये रिलेशंस जो है ना इंक्रीज होते हैं तो स्टूडेंट्स भी आएंगे, पाकिस्तानी जो जैसे मेडिकल स्टूडेंट्स काफी जाते हैं बांग्लादेश में स्टडी के लिए, तो पाकिस्तान से स्टूडेंट भी जाया करेंगे, एंड टूरिज्म इंक्रीज होगी। सो काफी सारी चीजें होती हैं। और जैसे कि अभी मैं पिछली वीडियो में बात करी थी ना, उसमें भी काफी अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू था बांग्लादेशी स्टूडेंट्स का कि हमें जो है पिछली तलखियों को भुला के आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है, बिकॉज वी आर न्यू जनरेशन, वी आर लिविंग इन न्यू इरा, सो दैट्स व्हाई। लेकिन एक और बात कि इस न्यूज को देखने के बाद मैंने कमेंट सेक्शन भी रीड किया कि लोग क्या कह रहे हैं, ठीक है। सो बेसिकली ज्यादातर लोग जो है ना वो इस चीज के हक में नहीं है कि पाकिस्तान के साथ अच्छे रिलेशंस रखे जाएं। आई डोंट नो, अब मैं इन चार पांच थोड़े से कमेंट्स के बेस पर साहब को जज नहीं करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे है ना एक बंदे हैं, सो ही सेट टू सेट अप बिजनेस, मोहम्मद रजुल हयात कह रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना चाहते हैं स्टूडेंट्स की स्टडी के लिए, एंड स्टेट रिलेशंस बनाना चाहते हैं पाकिस्तान के साथ। इन एनी केस ए वेरी बैड चॉइस फॉर अस, एक बुरा कहते हैं ना चॉइस है हमारे लिए, ठीक है, एक लॉस प्रोजेक्ट है बांग्लादेश के लिए। सो उनके अकॉर्डिंग ये एक बिल्कुल गलत डिसीजन, ठीक है। और एक यहाँ पे कह रहे हैं पाकिस्तान बांग्लादेश विल बी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग इन फ्यूचर, ठीक है, इनका एक पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू है। पाकिस्तान एंड इंडिया शुड बी केयरफुल, हो गया ओके, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि हमें जो है ना पाकिस्तान की जरूरत नहीं है, हमें पाकिस्तान और इंडिया दोनों को अवॉइड करना चाहिए। और अच्छा आगे क्या लिखा हुआ, इफ यू वांट एंड ओके, ठीक है, एक मिनट। अच्छा जी, एक और बंदे हैं इधर जिन्होंने कमेंट किया है, वो कह रहे हैं कि क्या आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे कि बॉम्ब अटैक हो जाए, हसीना गवर्नमेंट जो है विल हसीना गवर्नमेंट गिव कि यहाँ पे कोई बांग्लादेशी आ जाता है यहाँ पे बॉम्ब अटैक हो जाए, ठीक है। सो उनका ये कहना है, ठीक है, तो रिलेशनशिप बिटवीन बांग्लादेश एंड पाकिस्तान इज इंटैक्ट, ओके, तो इनका कहना है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के रिलेशन जो है ना वो अच्छे है, लाइक अच्छा हो रहा है, ठीक है। रिलेशनशिप्स कैन हैपन अगेन बट वेरी केयरफुली, ठीक है। बहुत डरते हैं यार बांग्लादेश के लोग, मुझे अंदाजा नहीं था, नहीं डर रहे यार, यहाँ पे कोई बॉम्ब अटैक्स नहीं हो रहा किसी पर। व्हेन देयर इज बॉम्बिंग इन पाकिस्तान इट इज रिस्की टू डू अ बिजनेस, बॉम्बिंग कहते हैं हमने फेस कर लिया जितनी करनी थी, ठीक है। अब जो है अब यहाँ पे कोई बॉम्बिंग शॉम्बिंग नहीं होती, बॉम्बिंग होगी ना तो उसको बॉम्ब कर देंगे जो बॉम्बिंग करेगा यार, तो ओके। यहाँ पे भी इन्होंने बॉम्बिंग की बात की है, मिल हैज ऑल्सो बीन सेट अप इन पाकिस्तान, ऑटो रीच मिल, अच्छा, वो कह रहे हैं कि ऑटो की जो मिल्स हैं वो भी लगानी चाहिए पाकिस्तान में।
बड़े पाकिस्तान इलेक्ट्रिसिटी गैस प्रॉब्लम होने पाकिस्तानी बिजनेस इनके अकॉर्डिंग भी ये बिल्कुल फजूल चीज है। ठीक है, मे अल्लाह ब्लेस अस ऑल मुस्लिम कंट्रीज इन द वर्ल्ड। ओके, इफ यू वांट टू सेव योर इंडिया लाइफ गो टू पाकिस्तान एंड गो टू कोरन मोशी मस्जिद। कोरन मस्जिद मस्जिद, ओके। इफ यू वांट टू सेव योर इंडियन लाइफ, पता नहीं क्या कह रहे हैं, समझ नहीं आए। आई वांट ऑल द पीपल ऑफ बांग्लादेश टू हैव गुड रिलेशंस विद पाकिस्तान। यू आर बांग्लादेश रिलेटेड व्लॉग्स, स्टिक टू योर सब्जेक्ट, नो रिलेशनशिप विद पाकिस्तान अंटिल दे अपोलोजाइज फॉर 1970। ओह गॉड यार, कम ऑन। लॉन्ग लिव बांग्लादेश एंड पाकिस्तान एंड द पाकिस्तान टेररिस्ट फैक्ट्री हैज टू डील विद देम वेरी केयरफुली। ओके ठीक है, एवरीथिंग वाज फाइन बट डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट पाकिस्तानी मेडिसिन, आर द क्वालिटी ऑफ डॉक्टर्स ब्रदर्स। अच्छा, ओके, इट्स नॉट योर टाइम टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान, व्हाइल द टू कंट्रीज कैन कम टू एन एग्रीमेंट और एक्सपोज देयर शुड बी नो प्रोग्रेस in anything because Pakistan has not yet acknowledged and apologized for it. Okay, so guys, ये आप लोगों ने comments थोड़े से मैंने read किए हैं, इसमें से जो है ना 100 में से जो 80 comments कह सकते हैं कि वो negative comments हैं और वो बिल्कुल नहीं चाहते कि पाकिस्तान के साथ अच्छे रिलेशन रखे जाए, लेकिन मुझे जितने लोग देख लेते हैं वो तो बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, इसलिए मुझे कोई इतना इश्यू नहीं है नेगेटिव कमेंट्स पढ़ के। और मोस्टली लोगों को चाहिए अपोलॉजी यार, किसी को कॉल करना, किसी से बात करना, अपने रिलेशन डेवलप करना, डेवलप करने की बात करना, ठीक है, तो ये अपोलॉजी से कम चीज नहीं होती। ठीक है, देखें फॉर एग्जांपल मैं जो हूँ अपनी वीडियोस में जब भी इस बारे में इस टॉपिक पर बात होती है 1971 को लेके, मैं हमेशा कहती हूँ कि ना तो हम इसके हक में थे ना आप लोग इसके हक में थे, लेकिन जिन लोगों ने ये किया वो इसके जिम्मेदार हैं और उन लोगों को ना सिर्फ इस दुनिया में बल्कि उनको आखिरत में भी उसकी सजा मिलेगी। ठीक है, सो जब पाकिस्तान और इंडिया की पार्टीशन हुई तब भी बहुत ज्यादा या मिलियंस ऑफ पीपल वर किल्ड। ठीक है, जैसे ट्रेन वहां से भर भर के लाशों से भर भर के पाकिस्तान आई, सो वो मनाजिर भी कोई भी नहीं भूल सकता, लेकिन हम लोगों ने कभी इंडिया से ये नहीं कहा कि आप लोग हमारे से माजत करें एंड ब्ला ब्ला। हम लोगों ने हमेशा उन्हें टेबल टॉक की जो है ना दावत दी है, उन्हें कहा है कि आप हमारे साथ अच्छे रिलेशंस डेवलप करें, जब तक कि वो हमारे से कोई अच्छी बात नहीं करते तो हम कैसे उनके साथ जो है टेबल टॉक पे आ सकते हैं। ठीक है, वो टेबल टॉक करना ही नहीं चाहते बेसिकली। सो अगर हम लोग बांग्लादेश पाकिस्तान बांग्लादेश का रिलेशंस बिल्ड करना चाहते हैं तो आई थिंक इसमें कोई बुराई नहीं है और इसी बेस पे ही अपोलॉजी आपको नजर आ जानी चाहिए। ठीक है, और बहुत से लोगों को अपोलॉजी चाहिए तो मैं अपोलॉजी करती हूँ, माजरत करती हूँ जो कुछ ठीक है पास्ट में हुआ, 1971 में हुआ जबकि मैं पैदा भी नहीं थी हुई। ठीक है, तो तब के लिए मैं बहुत बहुत ज्यादा अफसोस है मुझे, मैं हमेशा कहती हूँ, काफी सारे लोग हैं जो कि इस पे बात भी करते हैं। ठीक है, तो आई विश कि अच्छे रिलेशन हो और काफी सारे लोगों को वैसे इतराज है, खैर हो सकता है आहिस्ता आहिस्ता चीजें सॉर्ट आउट हो जाए और लोगों का जो माइंड है वो पाकिस्तान को लेके वो थोड़ा सा सेटल हो जाए। और 10 साल तक पाकिस्तान ने जो दहशतगर्दी है वो फेस की, ठीक है, उसको लेके भी काफी टॉन्ट किया जा रहा है कि क्या गारंटी है कि पाकिस्तान में हम लोग जाएं और वहां पे कोई बॉम्ब ब्लास्ट ना हो जाए। ठीक है, तो यकीनी तौर पे वो हम लोगों ने फेस किया, हमारे लोगों ने यहाँ पे कई लोग जो कि मर गए, कुछ 3-4 लाख जो लोग हैं उनमें से कुछ जो काफी सारे, कुछ नहीं काफी सारे जो कि डिसेबल हो गए, डिसेबिलिटी की लाइफ गुजार रहे हैं। ठीक है, सो कहते हैं जिस पे गुजरती है ना उसको पता होता है किसी को ऐसे टॉन्ट्स नहीं लगाने चाहिए। और दूसरी बात ये है कि ये जो टेररिस्ट कंट्री, हाँ ये लफ्ज मैंने पढ़ा, तो वही है जो इंडियन मीडिया ने इमेज बिल्ड किया हुआ, बेसिकली उसी पे बात की जा रही है यहाँ पे भी। ठीक है, तो वो जो दहशतगर्दी थी ना वो पाकिस्तान ही था करता, मतलब आप अपने घर में क्या बॉम्ब ब्लास्ट करेंगे, आप में से जो भी मुझे देख रहे हैं आप लोगों ने जरूर बताना है कि क्या अपने घर पे आप बॉम्ब ब्लास्ट कर सकते हैं, जरूर बताना है आप लोगों ने। ठीक है,
तो वो बेसिकली इंडिया था जो कि कंटिन्यूअसली यहाँ पे दहशतगर्दी कर रहा था, ठीक है। और फाइनली जब यहाँ पे ऑपरेशन स्टार्ट हुआ जरबे अजब, और काफी सारे तालिबान जो कि इंडिया को सपोर्ट करते थे वो यहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट करवाते होते थे, तो उन सबको जो है ना उड़ा दिया, ठीक है। जरबे अजब अगर आप लोगों ने हो सकता देखा हो, आई डोंट नो आप लोगों को पता है इसके बारे में या नहीं, लेकिन यहाँ पे पूरा ऑपरेशन स्टार्ट। तो काफी सारे ऑपरेशन हुए जिसके बाद दहशतगर्दी को काफी कंट्रोल कर लिया गया, ठीक है। और इंडिया के जितने भी पाकिस्तान में एंटर होने के चोर रास्ते थे उनको भी बंद किया गया, ठीक है। स्पेशली जो है इंडिया जो है जहां से दहशतगर्दी करवाता था, तो क्योंकि पहले पाकिस्तान और अफगानिस्तान के गेट्स जो है ओपन थे, मतलब वहां पे कोई बाउंड्री वॉल नहीं थी, ठीक है। देन अफगानिस्तान से जो है दहशतगर्द दाखिल होते थे पाकिस्तान, और पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते होते थे, ठीक है, बॉम्ब ब्लास्ट करते होते थे। उसके बाद जो वहां पे फेंसिंग की गई, सारे बॉर्डर को कवर किया गया, जिसपे बहुत ज्यादा गुस्सा किया गया क्योंकि इंडिया तब अफगानिस्तान में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व था। अभी तो अफगानिस्तान से किक आउट हो गया, ठीक है, इंडिया, और बहुत ज्यादा वो यूज करता था अफगानिस्तान को पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए। अभी इस बात का बिल्कुल भी इम्कान नहीं है कि वो मजीद अफगानिस्तान को यूज कर सकता है पाकिस्तान के खिलाफ। और अफगानिस्तान में जो तालिबानाइजेशन है, जिनकी हुकूमत आई है अभी, उन्होंने भी साफ कहा है कि यहाँ पे हम इंडिया को बिल्कुल भी पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, ठीक है। ये बात करना कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट कंट्री है, इस टाइप की चीजें हर्ट होता है यार, ऐसे नहीं करते, ठीक है, ओके। आप लोगों को क्या कहना है इसके बारे में, आप लोगों ने लाजमी बताना है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू लाजमी शेयर करना है। मेरी कोई बात बुरी लगी है तो उसके लिए माजरत, और 1971 के लिए भी माजरत यार। तो अल्लाह वीडियो को थम्स अप दे, वीडियो को करें शेयर अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और लाजमी शेयर करना है आपने, ताकि उनको मेरा जो अपोलॉजी है वो लाजमी मिले, और शायद उनके दिल से थोड़ा सा जो है ना गमो गुस्सा वो कम हो जाए मेरी वीडियो देखने के बाद, ठीक है। सो लाजमी शेयर करें मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, दिल खोल के। मैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मैं चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करने वाले आइकन को क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन लास्ट में मिले। अभी वीडियो को यहीं पर खत्म करूंगी। अगर आप लोग मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं।